दिव्य भटनागर की जिंदगी दुख से इस कदर भरी रही जिसमें दुर्भाग्य ने हमेशा अहम रोल निभाया। भले ही टीवी के पर्दे पर अलग अलग किरदार निभाती दिव्या हमेशा खुद मुस्कुराने की और दूसरों को हंसाने की कोशिश करती रही, लेकिन उनकी पूरी जिंदगी गम का एक ऐसा फलसफा रही जिसमें गम ने एक दो बार नहीं सैकड़ों बार दस्तक दी। जी हाँ, मौत से पहले दुर्भाग्य ने बार बार दिव्या जी को रुलाया। आखिर दुर्भाग्य दिव्या जी के लिए एक दो बार नहीं सैकड़ों बार कैसे लौट कर आया, इसी की कहानी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दिव्या के पीछे उनका दुर्भाग्य किसी पिशाच और दानव की तरह पड़ा रहा। जब आप एक एक करके दिव्या भटनागर जी की जिंदगी में आए दुर्भाग्य की सैकड़ों दास्तान सुनेंगे तो आपका दिल भी ऊपर वाले से यही सवाल पूछेगा कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। दिव्या का सबसे बड़ा दुर्भाग्य, हर मोड़ पर रही अकेली। जी हाँ, दिव्या जी की जिंदगी के हर मोड़ पर अकेले ही रहीं, जिसमें जब जब उन्हें अपने करीबियों की जरूरत थी वो साथ नहीं थे। सबसे पहले तो परिवार वालों ने उनकी शादी में ही साथ नहीं दिया था। जी हाँ, दरअसल दिव्या ने बॉयफ्रेंड गगन को 5 साल डेट करने के बाद साल 2019 में शादी की थी, लेकिन दिव्या और गगन दोनों अलग अलग समुदाय से ताल्लुक रखते थे, जिसकी वजह से दोनों के परिवार वाले उनकी शादी के खिलाफ थे। लेकिन दुर्भाग्य तो देखिए कि जिस पति के लिए दिव्या परिवार वालों तक के खिलाफ हुई, उसी पति ने कोविड के दौरान दिव्या का साथ छोड़ दिया। या दिव्या के परिवार वालों का कहना है कि गगन एक फ्रॉड था, वो दिव्या को छोड़कर चले गए थे और उन्होंने एक बार भी दिव्या की तबीयत की सुध तक नहीं ली। दिव्या के दर पर उनके दुर्भाग्य ने बार बार दस्तक दी। कोविड से लगातार लड़ रही दिव्या जीना चाहती थी, लेकिन किस्मत को ये भी मंजूर नहीं था और आखिरकार उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दिव्या का दूसरा दुर्भाग्य, टीवी इंडस्ट्री में भी हुई टैलेंट की अनदेखी। दिव्या जी में टैलेंट की कोई कमी नहीं थी, वो एक मंझी हुई कलाकार थी, लेकिन बावजूद इसके उन्हें हमेशा सपोर्टिंग रोल ही मिले। ये रिश्ता क्या कहलाता है में काम करके दिव्या जी काफी पॉपुलर हुई। उनका किरदार गुलाबों को आज भी पहचानते हैं लोग, लेकिन शो में उनका किरदार एक मेड का ही था। इसके अलावा इंडस्ट्री में दिव्या जी एक से बढ़कर एक शोज में अपनी एक्टिंग का हुनर दिखाती नजर आईं, लेकिन उनके टैलेंट को हमेशा साइड में ही रखा गया। दिव्या जी उड़ान, सवारे सबके सपने, प्रीतो, सेठ जी, तेरा यार हूँ मैं जैसे शोज में नजर आ चुकी हैं, लेकिन इन तमाम शोज में दिव्या जी कभी नौकरानी तो कभी साइड कैरेक्टर में ही नजर आईं। और तीसरा दुर्भाग्य, शादी की लेकिन एक साल भी ना रह पाई खुश। जी हाँ, दिव्या जी ने 22 नवंबर 2019 को अपने बॉयफ्रेंड गगन के साथ सात फेरे लिए थे। दोनों ने अपने परिवार वालों के खिलाफ ही शादी की थी। उन्होंने मुंबई के गुरुद्वारे में फैमिली की गैर मौजूदगी में शादी की और इस शादी में सिर्फ कपल के करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे, लेकिन किस्मत तो देखिए कि दोनों की ये शादी एक साल भी नहीं टिक पाई। दिव्या के पति गगन उन्हें छोड़कर चले गए और दोनों अलग हो गए। दिव्या जी ने जिस इंसान के लिए अपने परिवार वालों तक को छोड़ा, वही इंसान उन्हें मुश्किल दौर में छोड़कर चला गया। आज दिव्या भटनागर के दुनिया छोड़ जाने के बाद सब उनको याद कर रहे हैं, लेकिन दिव्या अपने पीछे अपनी जिंदगी की जो कहानी छोड़कर गई हैं, वो सबकी आंखों में आंसू ला रही है। जाहिर तौर पर आखिरी बार मौत को गले लगाने से पहले भी दुर्भाग्य कदम कदम पर दिव्या का पीछा कर रहा था। दिव्या जिंदगी जीना चाहती थी, हंसना चाहती थी, अपने पति के साथ एक शानदार जीवन बिताना चाहती थी, लेकिन जिंदगी ने उनके साथ बड़ी बेरहम बेवफाई कर डाली। हमारी यादों में अमर हस्ती मुस्कुराती दिव्या जी को हमारी तरफ से भी आखिरी श्रद्धांजलि।